नमस्कार। आज कक्षा द्वादशी में अंग्रेजी विषय में हम पढ़ेंगे पोएम नंबर 5, द स्नेयर। इसके पोइट है जेम्स स्टीफन्स। इससे पहले हमने 3 पोएम्स पढ़ी है। देखिए, स्नेयर का अर्थ होता है जाल। जो कविता है स्नेयर, वो फ्रीडम ऑफ एनिमल्स यानी जो पशु है, जो जानवर होते हैं, उनकी स्वतंत्रता के बारे में बताती है कि हमें जो जानवर होते हैं उन्हें कैद नहीं करना चाहिए, ना उन्हें दर्द देना चाहिए। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, देर इज ए रेबिट इन ए स्नेयर, नाउ आई हियर द क्राई अगेन, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। देखिए, इस कविता में एक रेबिट के बारे में बताया गया है कि एक जो रेबिट है वो एक जाल में फंसा हुआ है और कवि को उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, दर्द भरी पुकार। तो देखिए, आई हियर, मैंने सुनी, ए सडन क्राई ऑफ पेन, एक दर्द भरी पुकार। कवि कह रहा है कि मैंने एक दर्द भरी पुकार सुनी। देयर इज ए रेबिट इन ए स्नेयर, रेबिट यानी खरगोश, स्नेयर यानी जाल। कवि कह रहा है कि मैंने जो दर्द भरी पुकार सुनी, मुझे ऐसा लगा कि एक खरगोश है वो किस में फंसा हुआ है, जाल में। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, मुझे वही आवाज़ वापस सुनाई देती है दर्द भरी। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, बट आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता फ्रॉम वेयर, वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड, कॉलिंग आउट का अर्थ होता है पुकारना, एड का अर्थ होता है मदद। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि जो खरगोश है वो मुझे किसके लिए पुकार रहा है, मदद के लिए। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, यहाँ पर कवि ने एक फ्रेज का प्रयोग किया है, फ्राइटेंड एयर। देखिए, एयर का अर्थ होता है हवा, यहाँ पर है वातावरण, और फ्राइटेंड का अर्थ है भयभीत। यानी खरगोश की जो आवाज़ है, दर्द भरी पुकार है, उसने पूरे वातावरण को कैसा बना दिया है, फ्राइटेंड। तो कवि कह रहा है क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, खरगोश की जो दर्द भरी पुकार है उसने पूरे वातावरण को क्या बना दिया है, डरावना। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, जो चारों तरफ का वातावरण है वो डरावना हो चुका है। अगला स्टेंजा है, Making everything afraid, wrinkling up his little face, and he cries again for aid, and I cannot find the place. कवि कह रहा है, making everything afraid, खरगोश की जो दर्द भरी पुकार है उससे पूरा वातावरण है वो कैसा हो चुका है, भयभीत हो चुका है। wrinkling up his little face, और खरगोश का जो छोटा सा चेहरा है, wrinkling up, वो क्या हो चुका है, सिकुड़ चुका है, किसकी वजह से, डर की वजह से। एंड ही क्राइज अगेन फॉर एड, वो वापस मदद के लिए क्या करता है, पुकार करता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन मुझे अभी तक उस स्थान का पता नहीं चला है। कवि कह रहा है खरगोश बार बार मुझे पुकार रहा है दर्द की वजह से, लेकिन मुझे उस स्थान का पता नहीं चला है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, मुझे उस स्थान का पता नहीं है, वेयर हिज पा इज इन द स्नेयर, पा बोलते हैं पंजे को, कि कहाँ खरगोश का जो पंजा है वो है जाल में। तो यहाँ पंजे से खरगोश का ही अर्थ है कि खरगोश को किस जगह जाल में फंसाया गया है, कवि को वो स्थान नहीं मिला है। लिटिल वन, और लिटिल वन, यहाँ पर लिटिल वन किसके लिए है, खरगोश के लिए। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं तुम्हें प्रत्येक जगह ढूंढ रहा हूँ।